पहले क्या यहाँ कार्टन लगाता था, तो जिस समय कार्टन कंप्लीट होता था उस समय कार्टन सूख जाता था। मैं गेहूँ की खेती यहाँ करता था, जब गेहूँ बोता था और जब पकने का समय आता था तो गेहूँ हवा के कारण वो भी इस ज़मीन से मैं कोई बेनिफिट नहीं लेता था। ग्रामीण भारत के हृदय में जहाँ जीवन की लय भूमि के साथ तालमेल बिठाकर चलती है, जैन इरिगेशन किसानों के लिए एक दृढ़ साथी के रूप में उभरता है जो समृद्धि और प्रगति का वादा करता है। आइए हमारे किसान से मिलें और सुने कि जैन इरिगेशन और उनके कृषि विज्ञानी के बारे में उनका क्या कहना है। 2015 के बाद मैंने सुना है कि साहब जैन इरिगेशन पाटिल साहब केले के मतलब गुरुजी हैं, दीप बताते हैं। अब उसके बाद फिर जहाँ भी आते थे हम वहाँ चले जाते थे उनसे मिलने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि साहब का इधर आना हुआ, हम उनके पास गए और हमने उनको बोला कि सर जी हम चलो हमारे यहाँ खेत में, अगर आप बोलो कि हमारे यहाँ केले पक सकते हैं तो हम केले की खेती शुरू कर देंगे। योग ऐसा हुआ कि साहब यहाँ आए, फिर पाटिल साहब आए भी, उन्होंने देखा खरा, उन्होंने बोला कि आप यहाँ केले लगाओ, आपके केले पके। अटूट समर्पण के साथ केवी पाटिल सशक्तिकरण की यात्रा पर निकलते हैं, अपने साथ परिवर्तन के उपकरण और नवाचार की भावना लेकर चलते हैं। सतलेई मनावर तहसील जिला धार मध्य प्रदेश में अजय जाट के खेतों का उनका दौरा केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं है बल्कि विश्वास और सहयोग के बंधन को मजबूत करने के बारे में है। साहब ने हमको सब बता दिया था भी आपको क्या क्या करना है, कैसे लगाना है पौधा, कैसा बीट खींचना है, गोबर कैसा डालना है ना, उसके बाद में किस समय खाद कितना केजी चलाना है 1000 पे। फिर हमने शुरू साल 2015 में लगाया तो पहली बार हमको केले लगाने का मौका मिला। अब पहले पहले साहब से हम जो जो बताते थे साहब वो हम करते थे। अजय जाट की कहानी जैन इरिगेशन में हमारे मिशन के सार का प्रतीक है। जैन ड्रिप इरिगेशन और उन्नत टिश्यू कल्चर प्लांट जैसे हमारे अग्रणी समाधानों के माध्यम से हम किसानों को अपनी कृषि पद्धतियों की फिर से कल्पना करने, बंजर भूमि को बहुतायत की उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए सशक्त बनाते हैं। आज जब अजय जाट अपने हरे भरे खेतों के बीच खड़े हैं तो हमें उनकी सफलता के लिए उत्प्रेरक होने पर गर्व है। उनके शब्द उन अनगिनत किसानों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्होंने जैन इरिगेशन की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जिस समय से हम केले लगाने लगे, ड्रिप होने लगे, हमने सब दो ड्रिप करी, केले बढ़ाए, योग ऐसा बेटा कि भगवान चाहे तो हमको जो कपास कार्टन जो लगाते थे उससे इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और हमारा ये कि जो हमारे साथी है जो केले की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रिप करी, केले की खेती करी, वो उन्नति पे मतलब हर साल कोई ऐसा किसान हमारे साथ में नहीं है कि जिन्होंने केले और ड्रिप करी और ज़मीन नहीं खरीदी। उसके बाद हमने ज़मीन भी खरीदी, व्यवस्था भी करी, हर जगह पाइप ड्रिप सब करा और आज हमारी स्थिति बढ़िया है। अगले साल में जो हमारे 10 लाख की फसल नहीं आती थी 50 से 60 लाख के केले हर साल हो जाते, इस बार भी 50 से 60 लाख के केले हो जाएंगे। जैन इरिगेशन में हम यह समझते हैं कि हमारी भूमिका केवल समाधान प्रदान करने से परे है, यह सपनों को पोषण देने और सतत विकास को बढ़ावा देने के बारे में है। आइए हम सब मिलकर समृद्धि के बीज बोना जारी रखें और एक ऐसा भविष्य विकसित करें जहां हर किसान समृद्ध हो और हर क्षेत्र समृद्ध हो। जैन किसान होने से मुझे गर्व है और उससे मुझे उन्नति मिली है।